नमस्कार साथियों, मेरा नाम ईशा वशिष्ठ, मैं वाइस प्रेसिडेंट एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सबूत रखने वाली हूँ काम और इज़ोन से रिलेटेड, कुछ ऐसे एविडेंसेस, कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स आपके सामने आने वाले हैं कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो अलग लेवल पर जाने वाला है, कई गुना बढ़ने वाला है। ठीक वही कॉन्फिडेंस जो आप मेरे अंदर देखते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, वही आत्मविश्वास आप लोगों में आने वाला है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी स्टडीज पढ़ी हैं गामा और इज़ोन की, हजारों स्टडीज मुझे लग रहा है मैं पढ़ चुकी हूँ। जो भी स्टडी पढ़ो इतने उसके फायदे सामने आते हैं और वो स्टडीज लगातार अब तक चल रही हैं। नॉर्मली जब भी कोई स्टडी करवाई जाती है वो कभी इनवॉलेंट्री होती है, वो कंपनी स्पॉन्सर करके स्टडीज करवाती हैं और उसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर गामा और इज़ोन के तो इतने फायदे हैं कि पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के साइंटिस्ट ने खुद अपनी मर्जी से इसके फायदों पर स्टडीज की हैं और वो स्टडीज अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। एनिमल स्टडीज भी हुई हैं, ह्यूमन स्टडीज भी हुई हैं, सभी स्टडीज को कंपाइल करके मैंने एक वेबसाइट पर भी डाला है www.orisnol.in, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि कहाँ वो स्टडी, कौन से कंट्री में वो स्टडी हुई है, कौन से ईयर में हुई है, उसका क्या फायदा सामने आया है और कहाँ पर वो प्रकाशित है प्रॉपर लिंक के साथ। तो आप भी मेरी तरह बहुत सारी स्टडीज पढ़ के आत्मविश्वास अपना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ इसके फायदे आपको बताती हूँ गामा और इज़ोन के। ये शुगर के लिए लाभदायक है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए मददगार साबित होगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए मददगार साबित होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड, लीवर की समस्याएं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, कैंसर, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, स्किन की प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी परेशानियां, स्ट्रेस की समस्या उसे ठीक करता है। अनोखा एंटीऑक्सीडेंट है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है ये, और मेनोपॉज की समस्याओं से राहत देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मोटापे को कम करने में मदद करता है। ऐसी हजारों स्टडीज मैं खुद पढ़ चुकी हूँ और आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इतनी सारी स्टडीज नहीं पढ़ना चाहते, इतना ज़्यादा गामा और इज़ोन के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज ना सिर्फ पढ़ने, ना सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, बल्कि हम लोगों के एक्सपीरियंस भी साथ में मैच करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और गामा और इज़ोन RCM को लगातार जा रहा है, लाखों गामा और इज़ोन के पीसेस हम सेल कर चुके हैं, लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आप लोग, सिर्फ आप लोगों की मदद से इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जा चुका है, तो हम बहुत सारे फायदे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स निकल के आ रहे हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आप फिर से एक नई बुलंदी पर इस प्रोडक्ट को और भी आगे ले जा सकें, क्योंकि हेल्थ गार्ड को जो नाम बनाया है वो आपने बनाया है, इंडिया में इसकी एक अलग पहचान बनाई है आपने बनाई है। गामा और इज़ोन एक ऐसा हथियार है जो आपको एक अलग लेवल पर लेके जाएगा कामयाबी के, और देश में स्वास्थ्य क्रांति लाने की क्षमता रखता है ये अकेला प्रोडक्ट गामा और इज़ोन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गामा और इज़ोन है क्या, क्या है ये चीज़, क्या है एकदम नया सा वर्ड गामा और इज़ोन। राइस ब्रेन ऑयल में आपने गामा और इज़ोन सुना था, वाई सप्लीमेंट, सप्लीमेंट की जरूरत क्यों, गामा और इज़ोन को राइस ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों, वो इसलिए क्योंकि 1954 में जापान तो पिछले 100 सालों से राइस ब्रेन ऑयल बना रहा था और उसके फायदे लोगों तक पहुंचा रहा था, लेकिन 1954 में जापान ने एक नई चीज की, जापान के 2 साइंटिस्ट किनोको और सूचियो, उन्होंने यह पाया कि राइस ब्रेन से अगर हम गामा और इज़ोन को निकाल लें पाउडर के फॉर्म में और दवा की तरह लें, दवा की तरह यानी सीधा प्योर गामा और इज़ोन अगर हम अपने अंदर डाल लें, तो हम इसके लाखों लाभ अपने शरीर पर फील कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, 1954 में उसकी खोज की, गामा और इज़ोन पहली बार आइसोलेट किया राइस ब्रेन से पाउडर फॉर्म में, और पूरे विश्व में इसके फायदों पर अध्ययन शुरू हो गए, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूके है, यूरोप है, हर विकसित देश में उसके फायदों पर अध्ययन शुरू हुए, बहुत सारी स्टडी साइंटिस्ट ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने इसके फायदों पर की। जापान ने सबसे पहले इसे एज अ मेडिसिन टू ट्रीट एंजाइटी,
टेंशन तनाव को दूर करने वाली दवा के रूप में 1960 में जापान ने इसे रजिस्टर कर दिया, एक कुदरती दवा जो तनाव और टेंशन दूर करती है। हम सब जानते हैं WHO का भी, अगर हम मैंने हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी, अगर आप भी देखें कि तनाव टेंशन इतनी बड़ी समस्या बन चुका है आज की घड़ी में। टॉप 10 जो हेल्थ कंसर्न है, टॉप 10 जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनमें से एक है एंजाइटी, टेंशन, तनाव। तनाव के कारण और भी कई बीमारियां होती है। मेन चीज तो ये है, अगर टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हम खुश नहीं रह पा सकते, हमारे आसपास के लोग खुश नहीं रह सकते, हम चैन से सो नहीं सकते। और जो पिल्स ली जाती हैं, जो दवाइयाँ ली जाती हैं स्ट्रेस को दूर करने की या नींद लाने की, जिन लोगों को इंसोमनिया है यानी नींद ना आने की समस्या है, जब वो दवाइयाँ खाते हैं तो वो उनके शरीर पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, बहुत सारे दुष्प्रभाव करती है, जो बिल्कुल भी हमारे खून जैसे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गामा और रजनॉल तो रजिस्टर्ड है एज अ नेचुरल मेडिसिन टू ट्रीट एंग्जाइटी। जी हाँ, स्ट्रेस को दूर करने वाली एक कुदरती दवा है हमारे पास, वो है गामा और रजनॉल। आप सोचेंगे कि जापान में तो ये रजिस्टर्ड है एज अ मेडिसिन टू ट्रीट एंग्जाइटी, टू ट्रीट टेंशन, टू ट्रीट इंसोमनिया, कि क्या किसी को वाकई फायदा हुआ है, क्या किसी को गामा और रजनॉल लेने से वाकई उसमें ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है। तो आपके सामने आ रही है कैलाश जी। कैलाश जी ने लॉकडाउन में हमें ये वीडियो भेजी, लॉकडाउन में जब पूरे भारत में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि हर कोई टेंशन में था, हर कोई अपने घरों में बंद था, और जो नई नई परिस्थितियाँ हमारे देश में हो रही थी, हर कोई स्ट्रेस में था उस टाइम भी कैलाश जी बताते हैं कि वो ज़्यादातर पहले भी स्ट्रेस में रहते थे और उन्हें नींद ना आने की शिकायत रहती थी, लेकिन उस दौरान जब उन्होंने गामा और रजनॉल लेना शुरू किया तो उनको चैन की नींद आने लगी, किसी भी तरह का स्ट्रेस उन्हें नहीं रहा। आइए उनकी जुबानी ही सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं गामा और रजनॉल के बारे में। और पता नहीं किस कारण से, और माथा जो है मैंने डोज दे रहा था, होता था कि जैसे प्रेशर हो गया है तो काफ़ी दिनों से परेशान, और इस लॉकडाउन में जो है काफ़ी परेशानियां हो गई कि माथा एकदम पूरा एकदम ऐसा हो गया, बेचैन हो गया कि हम भीतर से अंदर से कम मैंने कंपन जैसा हो रहा था, डर जैसा हो रहा था। गामा जो है उसके गामा इसके बारे में बताने के बाद उसको जिस रोज से लेना ही शुरू किया, और अभी जो है काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है, और ये जो माथा जो घूरने का भी जो था वो टोटली जो है अभी स्टॉप है, और बहुत अच्छा अपने आपको अंदर से भी फीलिंग आ रहा है। जी हाँ, और वाकई में स्ट्रेस को दूर करता है गामा और रजनॉल, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए। और जापान से क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, जापान में गामा और रजनॉल को 1962 में एक और दवा के रूप में रजिस्टर कर दिया गया, और वो दवा थी मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने वाली दवा। मेनोपॉज का जो दौर है वो हर औरत को उस दौर से गुजरना पड़ता है, हर महिला को उससे गुजरना पड़ता है, और 40 साल की उम्र के बाद ये समस्या शुरू हो जाती है और बहुत सारी ट्रबल्स आती हैं महिलाओं को। हमारी भारतीय महिलाएं वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती ये परेशानियों के बारे में, वो परेशानियाँ मोटापा हो सकता है, बाल झड़ना, जो मेनोपॉज के दौरान इरेगुलर पीरियड्स और भी बहुत सारे हॉट फ्लैशेस, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इस पीरियड के दौरान। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर किसी भी तरह की मेडिसिन देना नहीं उचित समझता, क्योंकि उस दौरान पहले ही बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। लेकिन जापान में तो एक नेचुरल दवा है, जी हाँ, एक नेचुरल दवा जो इन सिम्टम्स से हर महिला की सुरक्षा करती है, उनको राहत पहुंचाती है मेनोपॉजल सिम्टम से। और जापान में गामा और रजनॉल को कुछ इस तरह बेचा जाता है, आप देख सकते हैं वहां पर लिख कर बेचा जाता है फॉर मेनोपॉज सपोर्ट। जी हाँ, गामा और रजनॉल फॉर मेनोपॉज सपोर्ट, मतलब मेनोपॉज के लक्षणों से राहत देने वाली दवा है गामा और रजनॉल। इसीलिए 1962 से रजिस्टर्ड है एज अ मेडिसिन टू रिलीव मेनोपॉजल सिम्टम्स। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली एक कुदरती दवा के रूप में रजिस्टर्ड है गामा और रजनॉल जापान में, वो भी कौन से साल से, 1986 से जापान में गामा और रजनॉल इज अ रजिस्टर्ड मेडिसिन फॉर लोअरिंग एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स।
जी हाँ, बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं जापान में, बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत सारे एनिमल स्टडीज जो दावा करती हैं कि गामा और रिजनॉल LDL को रेंज में रखता है, VLDL ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, HDL जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमें दिल के रोगों से बचाता है उसे बढ़ाता है। तो बहुत सारी स्टडीज हैं जिसके बेसिस पर 1986 से तो जापान ने इस पर मोहर लगा दी, जापान ने इसे रजिस्टर कर दिया एज अ मेडिसिन, एज अ नेचुरल मेडिसिन, एज अ कुदरती दवा टू ट्रीट एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो ये ही कुदरती दवा है। आज हमारे देश में कोलेस्ट्रॉल की इतनी बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोग आज के डेट में स्टैटिन ले रहे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली फार्मास्यूटिकल दवा है, उसको खाया जा रहा है और उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं कि अमेरिका के FDA ने भी चेतावनी दे दी है कि स्टैटिन लेने से डायबिटीज, मसल डैमेज, मेमोरी लॉस होता है। तो ये सब दुष्प्रभाव होने के कारण ही करोड़ों लोग भारत में स्टैटिन ले रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब है। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे आया है कि 80% ऑफ इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स। सो एक ऐसी कुदरती दवा जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगी उससे अच्छा क्या होगा। और ऐसा हुआ है, कुछ सर्जन आपके सामने आएंगे, हमारे सामने आपकी अपनी बात रखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन देखी, उन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करवाए, 3 महीने बाद दोबारा जब गामोरेस्ट्रॉल लिया, दोबारा जब रिपोर्ट करवाई तो कैसे ड्रास्टिक चेंज आया उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में, कैसे बिना कोई फार्मास्यूटिकल दवा, कोई अंग्रेजी दवा खाए बिना उन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाया गामोरेस्ट्रॉल की मदद से। मेरे को 5-6 महीने पहले सांस फूलने की दिक्कत थी, जिसके बाद मैंने अपने टेस्ट करवाए तो उसमें मेरे को ट्राइग्लिसराइड्स जो ज़्यादा आए हैं। मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली हैं लेकिन मेरे वो ट्राइग्लिसराइड कम नहीं हुए। मेरे को 1 महीना पहले मेरे दोस्त हरजिंदर सिंह ने हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, जिसको मैंने लेना शुरू किया और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। आज की डेट में भारत में 52% ऑफ वीमेन दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोला जाता है, लाखों लोगों की जाने जा रही हैं क्योंकि ये जो साइलेंट किलर है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं, वो नियंत्रण भी नहीं कर पाते उससे क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। और गामा ओरिजिनॉल एक ऐसी कुदरती मैजिकल मेडिसिन है, कि ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट है जो हाइपरटेंशन को ठीक करने में भी सक्षम है। जी हाँ, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आए, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हमारे आगे कि जो लोग 10 से 12 साल से लगातार हाइपरटेंशन की दवा खा रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे थे, गामा ओरिजिनॉल लेने से सिर्फ 3 महीने में उनकी वो गोली ख़त्म हो गई। वो सिर्फ गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं और उस फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से उनको छुटकारा हो चुका है। धीरे धीरे डोजेज कम होती रही हाई ब्लड प्रेशर की गोली की और कम्प्लीटली बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आपको अपना ब्लड प्रेशर भी साथ में मॉनिटर रखना है जब आप गामा ओरिजिनॉल लेंगे, तो ताकि आप अपने डोजेज को एडजस्ट कर सकें। जो अंग्रेजी दवा आप ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं हमारे आगे। तो एक टेस्टिमोनियल, एक सबूत आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। सर, ये एक टेबलेट क्या हुआ, मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का, हाई प्रेशर का, रिपीज 50 खाया था। अगस्त महीने में मुझे गामा ओरिजिनॉल मिला और अगस्त से आज तक मार्च, फरवरी लास्ट 28 तक 10 टेबलेट रिपीज 50 आन के रख देते, 6 टेबलेट यूज हुआ और यूज टोटल बंद हो गया। अभी मतलब महीना में 30 टू लगता था, अभी मतलब जस्ट 8 महीने में 6 टेबलेट लगा। आज हमारा देश डायबिटीज की राजधानी बन चुका है पूरे विश्व की। इंडिया में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं डायबिटीज़ के, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, वो किसी भी और देश में नहीं है। तो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बन चुका है इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ही दुख की बात है, यानी कि करोड़ों लोग यहाँ पर आज की डेट में डायबिटीज़ की समस्या से ग्रस्त हैं। डायबिटीज मैनेजमेंट में भी काम आता है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो इसके एंटी डायबिटिक इफेक्ट को दर्शाती हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, टोक्यो में स्टडीज़ हुई हैं,
इंडिया में स्टडीज हुई हैं जो दावा करती हैं कि गामा और रिजनॉल डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, और बहुत सारे सबूत टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने भी आए हैं कि जिन लोगों की शुगर 300-300 प्लस रहती थी उनकी अब नियंत्रण रहने लग गई गामा और रिजनॉल लेने से। बहुत सारे लोग जो फार्मास्यूटिकल दवा ले रहे थे, जो इंसुलिन ले रहे थे, उनकी डोजेज कम होने लग गई है इंसुलिन की जब से उन्होंने गामा और रिजनॉल लेना शुरू किया है। तो ऐसे ही एक शख्स अखिलेश ठाकुर जी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे डायबिटीज पर काबू पाया उन्होंने गामा और रिजनॉल की मदद से। जब गामा और रिजनॉल के बारे में हमें जानकारी मिली, फिर मैंने उसका यूज करना शुरू किया। खाने से पहले सुबह शाम उसका यूज किया, लगातार 2 महीने तक यूज किया। उसके बाद चूंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पूरा टेस्ट करवाया है तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। हम लोगों को समझ आ गया है कि अगर हमारी सेहत अच्छी है, अगर हम फिट हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम से, बीमारी से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है बॉडी की, हमारी अपनी ताकत, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना रोज़मर्रा का काम कर सकें, अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें, हर तरह की जिम्मेवारी हम पूरी कर सकें, तो स्टेमिना हमारा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे डाइट लेते हैं ताकि हमारा स्टेमिना इंक्रीज हो। और विदेशों में मैं आपको बताना चाहूँगी, अमेरिका में, यूके में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है स्टेमिना की, जहाँ पे एथलीट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है, वहाँ पर गामा और रिजनॉल बेचा जाता है फॉर एथलीट्स। एथलेटिक सीरीज लिखकर गामा और रिजनॉल की कुछ डोजेज उस मेडिसिन में डाली जाती है, गामा और रिजनॉल उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, ताकि एथलीट जब अपनी ट्रेनिंग के बाद उसे खाए तो उसे फटीग यानी कि थकावट ना महसूस हो, उसका स्टेमिना बढ़े, उसकी मांसपेशियां मजबूत हों, ग्रोथ हॉर्मोन्स इंक्रीज हो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। तो इस तरह ध्यान रखा जाता है विदेशों में, और गामा और रिजनॉल एज ए डाइट्री सप्लीमेंट अमेरिका में बेचा जाता है फॉर एथलीट्स। जी हाँ, आप देख सकते हैं सोर्स नेचुरल गामा और रिजनॉल जो अमेरिका की कंपनी है, वो एथलेटिक सीरीज ऑफ गामा और रिजनॉल सेल कर रही है। और अगर उसका प्राइस भी आप देखें अमेजोन पर, तो बहुत ही लो डोजेज गामा और रिजनॉल की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कीमत है। क्यों? क्योंकि एथलीट्स के लिए स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ की वैल्यू करते हैं अमेरिका, यूके जैसे कंट्रीज। और यहाँ पर मैं आप बताना चाहूँगी कि हमारे पास भी गामा और रिजनॉल है, और हम लोग भी उसे खाकर एथलीट्स की तरह ही एक स्टेमिना, एक जोश फील कर सकते हैं, स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही फील किया है भुवनेश्वर जी ने, भुवनेश्वर महतो जी, जिन्होंने अपने आप में, अपने स्टेमिना में एक नई उड़ान भरी गामा और रिजनॉल की मदद से। पिछले 2 महीने से हम गामा और रिजनॉल को ले रहे हैं। इसका रिजल्ट ये आया कि पहले हम थोड़ा सा भी दौड़ते थे तो थक जाते थे और एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं और 1.5 घंटा के आसपास व्यायाम कर ले पा रहे हैं। आज जो हमारे देश में कोविड सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी आर्टिकल आप पढ़ लें उसमें लिखा होगा कि इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी तरह की सूजन अगर आपके शरीर में है वो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगी। अगर आप कोई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का खाएं वो आपकी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ाएगा। गामा और रिजनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट है। यस, इट इज अ रजिस्टर्ड एंटीऑक्सीडेंट इन जापान, और विटामिन ई से भी 10 टाइम्स इसकी क्षमता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह भी है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। जी हाँ, किसी भी तरह के सूजन को पकड़ कर, को ढूंढ कर ये हमारे शरीर में उस इंफ्लेमेशन को कम करता है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि गामा और रिजनॉल एंटी इंफ्लेमेटरी है। यस, इट इज अ रजिस्टर्ड एंटीऑक्सीडेंट इन जापान। यस, और इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने में भी मदद किया है गामा और रिजनॉल ने, जिसका एक टेस्टिमोनियल आपके सामने रखना चाहूंगी कि कैसे उनके शरीर में जो सूजन रहती थी उसको कम किया है गामा और रिजनॉल ने। मेरा थायराइड मैंने कंप्लीट एकदम मतलब रिवर्स कर दिया,
और मतलब दिन भर पूरा काम करने के बाद में इवनिंग में घर आने के बाद में कोई और, आज की तारीख में मैं रात को 11 बजे तक भी अपनी वर्किंग कर लेता हूँ। और मतलब मैंने इतने अच्छे रिजल्ट इस प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ मैं घर पे था तो मैं रेगुलर यूज कर पाया और इस प्रोडक्ट की बहुत गहराई से टच में आया मैं। मैंने अपनी टेस्टिंग रिपोर्टें निकाली, मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही शानदार, मतलब इतना मिरेकल चेंज है इस 45 दिनों में जो मतलब बयान नहीं है। थायराइड जो कि लाइलाज बीमारी मानी जाती है एलोपैथी, उसको मैंने पूरा कंप्लीट क्योर किया है। अब मेरे कोई थायराइड नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, वेट लॉस करना। आपने अक्सर सुना होगा आयुर्वेदा में भी कहते हैं कि अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, यानी कि अगर हमारे भी कोई गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं है, किसी भी तरह की पेट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है तो हम ओवरऑल फिट हैं। बहुत सारी स्टडीज हैं हमारे पास जो कहती हैं कि गामा और रिजिनॉल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। जापान में स्टडीज हुई हैं, अमेरिका में स्टडीज हुई हैं। तो मैं आपके सामने स्टडीज नहीं रखूंगी आज, मैं आपके सामने ये टेस्टिमोनियल रखूंगी जो कहते हैं कि कैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पर काबू पाया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में राहत मिली है गामा और रिजिनॉल लेने से। मैं जब से ये हेल्थ गार्ड गामा और रिजिनॉल खा रहा हूँ, मेरे स्वास्थ्य में बहुत ही लाभकारी कार्य हुआ है। मेरे भूख नहीं लगते थे और हर समय पेट में दर्द रहता था इधर, और एकदम 100% क्योर हो गया है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं थाईलैंड में जो दावा करती हैं कि गामा और रिजिनॉल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है कुदरती तरीके से, क्योंकि इसमें लाइटनिंग इफेक्ट है, इसमें सनस्क्रीन एजेंट जैसे इफेक्ट्स हैं, ये सूर्य की किरणों से भी हमें बचाता है। तो ऐसे इफेक्ट्स होने के कारण वहाँ पर थाईलैंड में स्पेशली, जापान में स्पेशली, इसे कॉस्मेटिक्स में डाला जाता है गामा और रिजिनॉल के पाउडर को, ताकि स्किन पर नेचुरल ग्लो आए। अगर आप राइस ब्रांड कॉस्मेटिक्स करके सर्च भी करें अमेजोन पर तो हज़ारों रुपए की छोटी छोटी क्रीम्स आपको मिल जाएंगी, वो बहुत महंगी बिकती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गामा और रिजिनॉल है और जिसके स्किन पर लाजवाब इफेक्ट्स हैं। ऐसा ही एक इफेक्ट, ऐसा ही कुछ इफेक्ट, ऐसा ही स्किन पर ग्लो, ऐसा ही स्किन पर शाइन फील किया है यहाँ पर किसी ने, तो मैं उनकी बात आपके सामने रखना चाहूँगी। इसके बारे में मैंने जब सुना और इसका जब मैंने वो कैटलॉग देखा तो मुझे लगा कि ये मेरे चेहरे पर भी कुछ डाल धब्बे हो गए थे जो थोड़ा बुरा, किसी भी महिला को ये थोड़ा नहीं अच्छा लगेगा कि चेहरा खराब हो जाए। इसका जब वो मैंने लिटरेचर देखा तो मैंने इसका यूज करना शुरू किया। 2 महीने में मुझे बहुत कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, जो चेहरे मेरे बहुत क्लियर हुए हैं और मैंने बहुत सारी महिलाओं को भी इसके बारे में बताया है, उनसे भी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। गामा और रिजिनॉल में न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं। जी हाँ, USA और इटली की जॉइंट स्टडी हुई थी, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, अल्जाइमर जैसी बीमारियां तक ठीक करने की क्षमता है गामा और रिजिनॉल में। और ये जो USA और इटली की जॉइंट स्टडी जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें क्लियरली आया है कि येस इट कैन ट्रीट अल्जाइमर लाइक डिजीज बिकॉज इट हैज़ न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। मुझे मिलने का मौका मिला, मैं खरगोदा गई थी ट्रेनिंग के लिए गामा और रिजिनॉल के बारे में, वहाँ पर मुझे बबीता जी से मिलने का मौका मिला। तो बबीता जी ने मुझे खुद सामने से बताया कि उनके हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक हुआ और उन्होंने इमीजिएटली अपने हस्बैंड को गामा और रिजिनॉल देना शुरू कर दिया, साथ ही डॉक्टर को भी दिखाया और गामा और रिजिनॉल भी देना शुरू कर दिया। जो उनकी हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई थी वो मूवमेंट चलने शुरू हो गई और उसका धन्यवाद वो करती हैं गामा और रिजिनॉल को। बबीता जी खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और जैसे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी बात सुनकर, मुझे यकीन है कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि ये जो जादुई प्रोडक्ट है, ये जो मिरेकल प्रोडक्ट है, ये वाकई में हर किसी की ज़िंदगी में मिरेकल्स ला सकता है। और अभी 10-11 दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी लकवे की शिकायत हो गई थी, तो उसमें मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवा कर एक तो अपना हेल्थ गार्ड ऑयल मॉर्निंग में 2 चम्मच चाय में या गुनगुने पानी में देती रही और 1 वीक से गामा और रिजिनॉल की 2 टैबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा पूरा आराम है उसमें। जैसे बोलने में दिक्कत आ गई थी, अटक अटक के बोल रहे थे, वो प्रॉपर ठीक हो चुके हैं और हल्की सी हाथ की मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी वो भी ठीक हो चुकी है।
थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हुआ है और थायराइड की दवा जब एक बार कोई शुरू कर देता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अब ये दवा आपकी बंद नहीं हो सकती, आपको हर महीने थायराइड का टेस्ट करवाना है और दवा डॉक्टर एडजस्ट कर देता है, लेकिन वो डॉक्टर खुद कहता है, गारंटी देता है कि आपकी दवा कभी बंद नहीं होगी। जो भी थायराइड पेशेंट होता है थायराइड की दवा लेता है वो ये सोच के लेता है कि हाँ मुझे पूरी ज़िंदगी थायराइड की दवाई खानी ही खानी है। गामो ओरिजिनॉल की स्टडीज़ हैं, गामो ओरिजिनॉल के प्रूफ हैं कि 300 mg की खुराक अगर रोज़ाना ली जाए थायराइड के लिए, जिनको हाइपोथायराइड है स्पेशली, तो उनके TSH लेवल्स में रिडक्शन करेगा गामो ओरिजिनॉल और धीरे धीरे उनकी जो थायराइड की दवा है, जो फार्मास्यूटिकल दवा है, वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है बलवंत दीक्षित जी के साथ, जिनको थायराइड डायग्नोज हुआ, लेकिन उन्होंने पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ, क्योंकि उन्हें मालूम था, उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने एजुकेशन ली थी और उन्होंने पूरा पूरा कॉन्फिडेंस था उन्हें कि गामो ओरिजिनॉल अगर वो लेंगे तो वो थायराइड ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो स्टडीज़ उन्होंने पढ़ी थी कि गामो ओरिजिनॉल हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा काम करता है, TSH लेवल्स को रिड्यूस करता है और भी हर तरह का थायराइड क्योर करता है गामो ओरिजिनॉल। तो उनकी ज़ुबानी सुनिए क्या मैजिकल इफेक्ट उन्होंने फील किया अपनी ज़िंदगी में गामो ओरिजिनॉल के साथ। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था और उस थायराइड बताने के बाद जब मैंने डॉक्टर से बात की, राय ली, तो डॉक्टर ने एक बात कहा कि इसका एक इलाज है थायरोक्सिन, आप ताउमर खाएंगे और थायराइड में तभी आप संभव है कि बचे रहेंगे और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास था मेरे इस नए प्रोडक्ट के ऊपर, गामा ओरिजिनॉल के ऊपर। मैंने कंटिन्यू लिया और कंटिन्यू खाने से पहले मैंने टेबल के ऊपर रख लिया ये और मैं हमेशा इसको कंटिन्यू लेता रहा। और लेने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले, 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई दोबारा जून में, और उस जून में रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? हड्डियों का कमजोर होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियों का जो मेंबर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होने लग जाता है, झुकाव होने लग जाता है हमारी स्केलेटन में। क्यों? क्योंकि बोन्स में ताकत नहीं रही, बोन्स में मजबूती नहीं है। गामो ओरिजिनॉल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप रेगुलर लेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ हैं, एक थीसिस सबमिट हुआ है अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जो कहता है कि गामो ओरिजिनॉल ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमज़ोर होने को रोकता है उनकी बोन्स में, क्योंकि वो बोन्स में स्ट्रेंथ भरता है। और आप देखेंगे, आज आप सुनेंगे कि कैसे किसी ने ये बेनिफिट फील किया गामो ओरिजिनॉल का अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी, एक नया बदलाव दिया। गामा ओरिजिनॉल के बारे में भी पता चला कि ये भी एक ऑलरेडी बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। प्लस पहले क्या होता था कि कलाइयों वगैरह सब में मेरे ना बहुत दर्द होते थे, इन कलाइयों में, फिर पैर के जोड़ों में, उनमें दर्द होते रहता था। लेकिन जब से हेल्थ गार्ड यूज़ कर रहा हूँ तब से बहुत अच्छे फायदे हैं और दर्द वगैरह भी नहीं हो रहे। तो इस तरह जैसे जैसे गामो ओरिजिनॉल RCM परिवार वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जैसे गामो ओरिजिनॉल को जगह जगह पूरे भारत में RCM परिवार पहुंचा रहा है और लोगों को फायदे उसके महसूस हो रहे हैं, अलग अलग वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हर रोज आ रहे हैं, तो हमारा आत्मविश्वास इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट के लिए कई गुना बढ़ चुका है। हमें मालूम है कि जिस मिशन के साथ हमने गामो ओरिजिनॉल बनाया, एक स्वस्थ इंडिया का मिशन, एक हेल्दी इंडिया का मिशन, उस मिशन को हम जरूर पूरा कर देंगे, एक कुदरती तरीके से, एक नेचुरल तरीके से अपने देश को, अपने देशवासियों को, अपने भारतीयों को बहुत सारी बीमारियों से मुक्त कर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोग सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगी कि आज हमें समझ आ गया, ये जो परिस्थितियाँ हमारे देश में चल रही हैं कोविड की, तो आज हमें समझ आ चुका है कि हमारी अपनी इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी ज़रूरी है। जब हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है किसी बीमारी का, तब हमारी खुद की इम्यूनिटी ही, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमें बचाएगी। तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल 300 mg गामा ओरिजिनॉल अगर हर रोज दिया जाए तो हमारी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ सकती है।
मास्क पहनना और सैनिटाइज करते रहना किसी भी तरह के वायरस के संक्रमण से बचने के लिए डेफिनेटली मदद करता है, जैसे कि कोविड-19। लेकिन साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। आ गया है भारत में पहली बार एक शक्तिशाली इम्यूनिटी बूस्टर गामा ओरिजिनल, जिसे राइस ब्रैन ऑयल से बनाया गया है। अनेकों साइंटिफिक स्टडीज में गामा ओरिजिनल इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल्स हर रोज लेने से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा, जिससे किसी भी वायरस और उसके संक्रमण से लड़ने में मदद मिलेगी। गेट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यही है अल्टीमेट सॉल्यूशन। इसी तरह जो वीडियोस हमारे पास लगातार आती हैं गामा ओरिजिनल के फायदों की, हम उन्हें अपने हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, ताकि लाखों लोगों का उससे फ़ायदा हो, लाखों लोगों को एक अल्टरनेटिव मिले, एक नेचुरल मेडिसिन मिले बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। गामा ओरिजिनल को भारत सरकार ने, FSSAI ने इसे एज ए न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव किया हुआ है, यानी कि ये न्यूट्रिशन का पार्ट है। बिना डॉक्टर की मदद से आप इसे रेगुलर अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। 2 कैप्सूल हर रोज गामा ओरिजिनल लेने से खाने के साथ हर रोज 2 कैप्सूल लेंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त बनाएंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या या कोई भी रिपोर्ट चाहिए या कोई भी स्टडी चाहिए, कोई भी प्रूफ चाहिए, कोई भी टेस्टिमोनियल चाहिए, तो आप नीचे जो हेल्पलाइन नंबर्स आ रहे हैं उन पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का आंसर किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा 24 घंटों में। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और हम साथ मिलकर अपने देश को एक हेल्दी इंडिया बने। जियो जी भर के उड़ने दो ख्वाबों को जरा, ओहो जिंदगी को जियो जी भर के उड़ने दो ख्वाबों को जरा, पूरी होगी दिल की सब ख्वाहिशें पर सेहत को ना भूलना। मुश्किलें हो चाहे जितनी भी, बना खुद को ताकतवर, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हो शामिल, तू स्वदेशी अपना कर। ये लड़ाई है सेहत और आत्मनिर्भरता की, और साथ है RCM और AP ऑर्गेनिक्स का। हेल्थ गार्ड मेरी सेहत का गार्ड। हेल्थ गार्ड अब रुकना नहीं, झुकना भी नहीं, बस चलते ही जाना है, होके बेफिकर। अब रुकना नहीं, झुकना भी नहीं, बस चलते ही जाना है, होके बेफिकर। ये लड़ाई है सेहत और आत्मनिर्भरता की, और साथ है RCM और AP ऑर्गेनिक्स का। हेल्थ गार्ड